आज आजमगढ़ में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी को 42,000 करोड़ की देंगे सौगात। मस्तक पर त्रिपुण, हाथ में त्रिशूल और त्रिकालदर्शी के दर्शन, काशी विश्वनाथ पहुंचे पीएम मोदी ने की दिव्य भव्य पूजा। बीजेडी भाजपा गठबंधन पर संशय बरकरार, पटनायक बोले अफवाहें राजनीति का सबसे खराब पहलू। लालू यादव के करीबी सुभाष यादव को ईडी ने किया अरेस्ट, रेत के अवैध खनन का मामला। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने तय किए 150 और नाम, आज दूसरी सूची संभव, हरियाणा समेत 8 राज्यों पर हुई चर्चा। कांग्रेस आज कर सकती है उत्तराखंड में प्रत्याशियों की घोषणा, पैनल में 16 नाम। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने कसी कमर, आज से छिंदवाड़ा में कमलनाथ और बेटे नकुलनाथ की चुनावी जनसभा। लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने झोंकी ताकत, आज अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक, चुनाव को लेकर होगी चर्चा। बिहार विधान परिषद चुनाव में एक टिकट पर दो दो खेल, भाजपा और महागठबंधन दोनों ने कर दिया है गेम। यूट्यूबर मैक्स टर्न की पिटाई के मामले में मुश्किल में एल्विश, गुरुग्राम पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 10 आतंकवादियों को किया ढेर, दो दिन तक चला खुफिया ऑपरेशन। मासूमों की मौत पर भड़का अमेरिका, बाइडेन बोले पीएम नेतन्याहू का नजरिया इजराइल को मदद से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा। इटली में प्रदर्शनी से चोरी हुई 39 सोने की मूर्तियां, 13 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है कीमत। लाल सागर के आकाश में पूरी रात चली लड़ाई, हाउती का सिंगापुर के जहाज और अमेरिकी युद्धपोतों पर मिसाइल हमले का दावा। समुद्री क्षेत्र में निगरानी के लिए मालदीव ने तुर्की से खरीदा ड्रोन, अगले सप्ताह तक शुरू होगा संचालन। लोगों को मिलेगी सौगात, पीएम मोदी आज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बने नए टर्मिनल 1 का करेंगे उद्घाटन। भारत और EFTA करेगा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, सेवा क्षेत्र में निवेश को मिलेगा बढ़ावा। स्वर्ण भंडार की गुणवत्ता को लेकर सतर्क रहे बैंक, गोल्ड लोन स्कीम की गड़बड़ियों को लेकर वित्त मंत्रालय और RBI में संपर्क। रसोई गैस कीमत में और कमी संभव, पेट्रोल डीजल के लिए फिलहाल ना। क्रिप्टोकरेंसी बाजार में मजबूती, बिटकॉइन पहली बार 70,000 के पार पहुंचा, इथेरियम भी उछला।